अगर नहीं कुछ बदला है तो महिलाओं के साथ रेप बलात्कार, महिलाओं के साथ घटनाएं, सरकारें एक दूसरे पे थोप रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, बजाय कि वो उस केस पे काम करे, महिला सुरक्षा पे बात करें। जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर उस बच्ची के साथ घटना हुई है, ये बहुत सोचने का विषय है, बहुत अफसोसजनक है। कि देखिए, 12-13 साल हो गए, बहुत चीजें ठीक हुई है, बदली है, अगर नहीं कुछ बदला है तो महिलाओं के साथ रेप बलात्कार, महिलाओं के साथ घटनाएं, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि महिला सुरक्षा के लिए, महिला के साथ जो घटनाएं हो गई है उनके इंसाफ के लिए कुछ काम हुआ है। कानून जरूर बनाए गए हैं, फास्टैग कोर्ट जरूर बनाए गए हैं, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। 2020 में निर्भया के मुजरिमों को सजा हुई थी, उसके पहले भी, उसके बाद भी इतने सारे केस हुए हैं। बच्चियों को काट 35 टुकड़ों में काट दिया गया, बच्चियों को घसेट दिया गया, किसको इंसाफ। घटनाएं रोज हो रही हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारा समाज सुधर जाएगा, हमारा समाज का सोच बदल जाएगी। अगर आप मुजरिमों को सजा नहीं देंगे, जेल में बैठा के उनका पालन पोषण करेंगे, उनकी मांगे पूरी करेंगे, तो महिलाएं सुरक्षित कैसे होंगी। तो जब तक मुजरिमों को सजा नहीं मिलेगी, जब तक फास्ट कोर्ट में काम नहीं होगा, जब तक जो भी कानून बने हैं उस पे काम नहीं होगा, मुजरिमों को सजा नहीं होगी, तब तक हमें नहीं लगता है कि समाज की सोच बदलेगी और महिलाएं सुरक्षित हो। लेकिन सबसे दुर्भाग्यजनक ये है कि जो वहां पे हालात पैदा हुई है, सरकारें एक दूसरे पे थोप रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, बजाय कि वो उस केस पे काम करे, महिला सुरक्षा पे बात करें, अपने कानून में जो भी कमियां हैं उसको पूरा करें। लेकिन नहीं, वहां पे तो जिनके जो मुख्यमंत्री हैं उनके अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनके अंदर सारे उनके रूल है, पुलिस है, और वो नहीं समझ आ रहा है कि वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे, किससे फांसी मांग रही है। रूल तो उनके हाथ में है, कानून वो उनके हाथ में है, कम से कम वो लोअर कोर्ट तो तक तक केस को साफ सुथरा सरकार पहुंचा सकती है। तो चिंताजनक है कि जो भी वहां डॉक्टर्स आवाज उठा रहे हैं उस बच्ची के लिए, अपने सेफ्टी के लिए, उनको दबाया जा रहा है, उनको दबाने के लिए, उनको डराने के लिए हॉस्पिटल के अंदर एक भीड़ आती है, तोड़ फोड़ करती है, मारपीट करती है, उनको धमकी देती है नर्सों को कि हम उसी डॉक्टर की तरह हालात कर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि हम सबको इस पे मिलके सोचने की जरूरत है, सरकार को सोचने की जरूरत है कि आज भी जब भी कोई घटना होता है निर्भया का नाम आता है, लेकिन निर्भया की घटना से, उसके मौत से हमने क्या सीखा है, हमारे सिस्टम में क्या बदलाव आया, हमारे कानून में जो भी बदलाव उस पे काम था क्या हुआ। आज भी हम 2012 में ही खड़े हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे देश के डॉक्टर्स बाहर रोड पे हैं, उनको इंसाफ मिले, उस बच्ची को इंसाफ मिले, उस माँ बाप को इंसाफ मिले, क्योंकि ये घिनौना जो अपराध हुआ है, जो उनके माँ बाप के बयान आ रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है, जिस तरह से बच्ची के साथ बर्बरता हुई है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम लोगों के नजरे से कुछ छिपा हुआ है, वो बाहर आना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ रही है, तो उस तरह से तो लग रहा है कि बच्ची के साथ कुछ और ही हुआ, उसमें कुछ कोई और भी शामिल है, क्योंकि एक आदमी इतना काम नहीं कर सकता अकेले। सबसे पहले तो मैं ये अपने तरफ से ये कहना चाहूंगी कि जो बच्ची के साथ घटना हुई है, उसके साथ जो दरिंदगी हुई है, जो भी मुजरिम उसमें शामिल है, एक है या एक से ज्यादा है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए,
और उनको जल्द से जल्द उनको जल्द से जल्द उनको सजा मिले। लेकिन आज 6 दिन हो गया, न पुलिस और अभी सीबीआई तो कल से लगी है, अभी कोई डिसीजन पे नहीं पहुंचा गया कि नहीं उस बच्ची के साथ एक था या और कोई शामिल है, या उसको कैसे इंसाफ मिलेगा, ये सोचना बहुत दूर की बात है। जो भी हालात वहां पैदा हुए हैं कि डॉक्टर आवाज उठा रहे हैं कि नहीं हमको सपोर्ट चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, उस बच्ची को इंसाफ चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर उस बच्ची के साथ घटना हुई है, ये बहुत सोचने का विषय है, बहुत अफसोसजनक है कि हॉस्पिटल के अंदर जहां बच्ची ड्यूटी कर रही है, मरीजों के साथ काम कर रही है, मरीजों की सेवा कर रही है, उनका इलाज कर रही है, और वहीं पे उसके साथ इतना घिनौना अपराध हो रहा है। तो अगर कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, अगर डॉक्टर अगर हॉस्पिटल के अंदर खुद जहां वो ड्यूटी पे है और वहां वो सुरक्षित नहीं है, तो आप आम महिलाएं और बच्ची के लिए कहां क्या सोच सकते हैं। देखिए 12-13 साल हो गए, बहुत चीजें ठीक हुई है, बदली है, अगर नहीं कुछ बदला है तो महिला महिलाओं के साथ रेप बलात्कार, महिलाओं के साथ घटनाएं, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि महिला सुरक्षा के लिए, महिला के साथ जो घटनाएं हो गई है उनके इंसाफ के लिए कुछ काम हुआ है। कानून जरूर बनाए गए हैं, फास्टैग कोर्ट जरूर बनाए गए हैं, लेकिन उस पे काम नहीं हुआ। 2020 में निर्भया के मुजरिमों को सजा हुई थी, उसके पहले भी उसके बाद भी इतने सारे केस हुए हैं, बच्चियों को काट 35 टुकड़ों में काट दिया गया, बच्चियों को घसेट दिया गया, किसको इंसाफ। घटनाएं रोज हो रही हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारा समाज सुधर जाएगा, हमारा समाज का सोच बदल जाएगी, अगर आप मुजरिमों को सजा नहीं देंगे, जेल में बैठा के उनका पालन पोषण करेंगे, उनकी मांगे पूरी करेंगे, तो महिलाएं सुरक्षित कैसे होंगी। तो जब तक मुजरिमों को सजा नहीं मिलेगी, जब तक फास्ट कोर्ट में काम नहीं होगा, जब तक जो भी कानून बने हैं उस पे काम नहीं होगा, मुजरिमों को सजा नहीं होगी, तब तक हमें नहीं लगता है कि समाज की सोच बदलेगी और महिलाएं सुरक्षित हो। सबसे पहले तो मैं ये अपने तरफ से ये कहना चाहूंगी कि जो बच्ची के साथ घटना हुई है, उसके साथ जो दरिंदगी हुई है, जो भी मुजरिम उसमें शामिल है, एक है या एक से ज्यादा है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए,